सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में आज नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी खुद शिरकत करेंगे और चयनित 1395 प्रवक्ता के साथ सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम लोक भवन में 11 बजे होना है। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम होना है। लखनऊ के लोक भवन में चयनित 1395 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी। बता दें लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे किया जाएगा, जिसमें चयनित 1395 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में आज सीएम योगी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के जो लोक भवन है उसमें जो चयनित जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर और जो सहायक अध्यापक है, जो प्रवक्ता है, कुल 1395 लोग को मुख्यमंत्री खुद जो है मिशन रोजगार के तहत जो है प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे, उनका 1395 लोगों को प्रदान करेंगे। और इस तरीके से जो मिशन रोजगार की तरफ जो प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 1395 लोगों को जो प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे, जो चयनित लोग हैं उसके तहत जो है प्रदेश में जो विपक्ष आरोप लगाता रहा था बेरोजगारी को लेके कि सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, सरकारी विभाग में वांट नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी लेके एक चीज ये मसला सॉल्व हो गया। इसके पहले जो बीसीएस के लोग थे, 3000 कुछ लोग चयनित हुए थे, उनको भी 2-3 दिन पहले लोक भवन में ही प्रशस्ति पत्र जो है वो बांटा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पे वो शाम पांच बजे तक गोरखपुर तक पहुंचेंगे, जनता दरबार अगले दिन करेंगे और शाम 5 बजे तक विश्राम करेंगे। इस प्रशस्ति पत्र बांटने के बाद, लोक भवन के कार्यक्रम के बाद, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जो है वो गोरखपुर के लिए रवाना होगा। विवेक, जो चयनित हुए हैं 1395 प्रवक्ता के साथ सहायक और अध्यापकों, कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार मिला है, तो ये 1395 जो सहायक अध्यापकों हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल मयूरी, और ये जो काबिल लोग हैं वो चयनित हुए हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के काबिल लोग चयनित हुए हैं। अब इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने क्षेत्र में अच्छा करें, अपने क्षेत्र में अच्छा करें, प्रदेश के लिए अच्छा करें, जहां भी जिस पद पर काबिल अपने क्षेत्र में अच्छा करें और आगे जो है विकास की गाथा को इसी तरीके से ले जाए, ये मंत्र जो है योगी आदित्यनाथ उन लोगों को देंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आज समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7वें IATO के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का समापन समारोह का आयोजन कन्वेंशन सेंटर द सेंड्रम होटल में किया जा रहा है। बता दें टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह हो रहा है, जिसमें 37वें IATO के वार्षिक, बता दें लखनऊ के टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ के टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, लखनऊ के टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है तीन दिवसीय ये कार्यक्रम था, आज समापन की दिशा में है और आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। और लखनऊ में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है लखनऊ को टूरिस्ट प्लेस के रूप में चुने, यहाँ आए, यहाँ घूमे,
देश देश विदेश में जहां जहां के भी लोग, और आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है GIS, उसके लिए भी कड़ी तैयारी की जा रही है। उसके पहले से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आए, ताकि विश्व पटल पर यह बात हो सके कि ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। GIS के तहत कई देशों के निवेशक यहाँ आने को इच्छुक है, और फरवरी माह में 10 से 12 फरवरी को जो GIS की समिट है वहाँ कई देशों के व्यापारी मंडल और जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वो यहाँ के निवेश आके निवेश करने के इच्छुक है। इसके इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां भी कर दी गई हैं। हर एक पार्क को जो है लखनऊ को हर एक पार्क को अब संवारा जा रहा है, हर तरीके से, चाहे सड़कें हों, चाहे उनको उनके सुंदरीकरण किया जा रहा है, संवारा जा रहा है ताकि शहर और खूबसूरत लगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। विवेक, ये जो समापन समारोह आयोजित हो रहा है, इसमें CM योगी के अलावा कौन कौन लोग शामिल होंगे और ये कार्यक्रम कितने बजे होगा? देखिए, ये जो समापन समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वो शिरकत करेंगे, और अन्य बड़े पदाधिकारी भी ये शिरकत करेंगे। इसके बाद जब लोक भवन का कार्यक्रम समाप्त होगा, लोक भवन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ शिरकत करेंगे, क्योंकि उनका जो है गोरखपुर का भी दौरा भी आ जाइए, इस लोक भवन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यहाँ शिरकत करेंगे, इसके बाद वो गोरखपुर के रवाना होंगे। जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। बता दें, राजधानी में कई इलाकों में कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की तरफ से घरों से कूड़ा ना उठाए जाने पर लोग सड़कों और खाली प्लाटों में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे आसपास के इलाके में गंदगी पनप रही है। वहीं नगर निगम की तरफ से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी इको ग्रीन कंपनी को दी गई है, बावजूद इसके जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बता दें, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह गंदगी पनप रही है, जिससे बीमारियों का भी खतरा देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में कूड़े नहीं उठाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, नालियां भरी हुई नजर आ रही हैं, लोगों को आने जाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये हम राजधानी लखनऊ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सफाई अभियान चलाया जाता है, वहीं दूसरी तस्वीरों से आप आकलन लगा सकते हैं किस तरह से लखनऊ में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें, कूड़ा ना उठने से सड़क प्लॉट में कूड़े फेंक रहे हैं लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आने जाने में भी लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये गंदगी का अंबार बीमारियों को दावत देते नजर आ रहे हैं। ये हम तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़े ना उठने कारण लोग खाली प्लाट में कूड़े डाल रहे हैं। बता दें, इको ग्रीन कंपनी को नगर निगम ने जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद भी जगह जगह कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जगह जगह कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूर, लगातार जिस तरीके से लखनऊ में जगह जगह कूड़े का अंबार जो देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इको ग्रीन कंपनियों के जो कार्यकर्ता है, जो ड्राइवर है, जो चालक है, उन्हें सैलरी ना मिलने की वजह बताई जा रही है। तो अभी जोन 1, 7 और 5 में करीब 20,000 घरों से कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, लिहाजा जब घर से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा तो जिनके घर में कूड़ा है वो कूड़ा घर में तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं रोड पर वो डालेंगे। तो इस स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जिस वजह से वो अपने घरों से कूड़ा उठा करके रोड पर डंप कर रहे हैं, और रोड पर वो कूड़ा डंप हो रहा है, उसके बाद भी वहां कंपनियां नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए कुछ इको ग्रीन कंपनी के जो ड्राइवर थे उन्होंने हड़ताल भी कर दिया है। हालांकि मेरी अभी एक अधिकारी से, इको ग्रीन कंपनी के अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि इश्यू आ रहा है,
सैलरी को लेकर के नगर निगम के द्वारा अभी पैसा नहीं मिला है, इस वजह से दिक्कतें आ रही, लेकिन हाल में ही ये समस्या बहाल कर दी जाएगी। फिलहाल अभी जो खामियाजा भुगत रही है वो आम जनता भुगत रही, गंदगियों का अंबार भरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ये चीज कह रहे हैं और नगर सुशोभन अभियान भी चलाया था उन्होंने कि जहां जहां पर गंदगी होगी उसको साफ सफाई करके वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा और उस जगह को साफ सुथरा करके समाज सेवियों के सहयोग से वहां पर उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी लखनऊ जैसे राजधानी पॉश इलाकों में, मैं आपको बता दूं, भी जगह जगह गंदगियों के इतने बड़े बड़े अंबार देखने को मिलेंगे। आज भी अगर लखनऊ की सड़कों पर नगर आयुक्त या मेयर या क्षेत्रीय जो नेता है, जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो उतर करके सड़कों पर अगर देखे तो अभी भी गंदगियों का अंबार दिखेगा। अभी जो समस्याएं जो सामने हाल फिलहाल जो समस्या आ रही है, वो समस्या सबसे बड़ी ये है कि इको ग्रीन कंपनी जो घरों से कूड़ा नहीं उठा रही है, जिसके लिए जो जो घर के जो निवासी लोग हैं वो सब कूड़ा कहीं ना कहीं रोड पर डंप कर रहे हैं और डंप हुआ कूड़ा रोड से उठान नहीं हो रहा, कारण उनको अभी सैलरी नहीं मिल रही। जी रितेश, जो इको ग्रीन कंपनी है वो सैलरी की बात कह रहा है, वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम का क्या कुछ कहना है? देखिए, नगर निगम तो हमेशा ये कहता आ रहा है कि हम तो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और साफ सफाई के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं साफ सफाई अभियान में, लेकिन कहाँ लगे हैं, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे लखनऊ में अगर आप केवल लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी जिसको कहा जा रहा है, प्रतिदिन बोला जा रहा है कि स्मार्ट सिटी है, बनेगा लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, और इतने गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह। अभी भी लखनऊ में ऐसी सड़कें जहाँ गड्ढे हैं और जहाँ पे जल भराव हो रहा है, अभी बहुत समस्या है लखनऊ में। और प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि तत्काल जो है 7 दिन के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है जगह साफ सुथरा करके वहां सेल्फी पॉइंट बना दे रहे हैं, और नगर निगम भी पल्ला झाड़ लेता है। हालांकि नगर आयुक्त इस बात को बराबर कह रहे हैं अपने अधिकारियों से कि अब साफ सफाई का जायजा लें और सब व्यवस्थाएं समुचित करें, लेकिन अभी कहीं धरातल पर यह कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है, जिस तरह के गंदगी के अंबार तब थे अब है। हाँ, हाल फिलहाल 10-20% की जरूर अगर कहा जाए तो 15-20% की जो साफ सफाई व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जो आम जनता का भी बनता है, उनको भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए कि रोड पर गंदगी न फैले। घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं निकलते ही कूड़े को तब्दील ना करें, रोड पर चलते हुए इस तरीके की गंदगी ना करें, तो ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। हर काम सरकार नहीं कर सकती, हर काम विभाग नहीं कर सकता, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती है साफ सफाई सुरक्षा को लेकर के। रितेश, जो नगर निगम ये दावे कर रहा है कि वो अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन जो आपने तस्वीरें भेजी है लखनऊ की, साफ तौर पर उसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बीमारियों को भी दावत दे रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो डेंगू के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कब इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए नंदिनी, मयूरी माफ करिएगा, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की 4 मुख्य सड़कों का मैंने वीडियो बनाया था और वहां पे खबर भी प्राइम टीवी के द्वारा दिखाई जा रही थी बार बार। पहला तो गोडम्बा थाने के बगल में एक मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने एक कूड़े का अंबार है, पूरा रोड पर वहां कूड़ा डंप होता है। दूसरा सेंट मैरी हॉस्पिटल कुर्सी रोड पर ही, वहां पर कूड़े का डंप आज भी है, अभी भी लगा, अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे तो वहां देख सकते हैं, वहां पर कूड़े का अंबार अभी लगा हुआ है। तीसरा महावीर विद्यालय कुर्सी रोड अलीगंज के पास में, वहां रोड पर भी कूड़े का पूरा अंबार लगा हुआ है। तो इस तरीके से अभी लखनऊ की मुख्य सड़कों पर कूड़े का अंबार पूरा लगा हुआ है, जहां पर नगर निगम की नाकामी साबित हो रही है और किसी भी तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जा रही है। लिहाजा जो विभाग के मंत्री हैं या विभाग के जो नगर आयुक्त हैं या मेयर हैं, तो उनको खुद इस चीज को सीख लेना चाहिए, उतरना चाहिए धरातल पर जाकर के, खुद सर्वे करना चाहिए आखिर जनप्रतिनिधि किस बात के हैं, जनता क्यों उन्हें जिताती है, क्या इसलिए कि घरों में गंदगी का अंबार बना रहे, रोड पर गंदगी का अंबार बना रहे और कागजों में स्मार्ट सिटी बना रहे, तो किस तरीके से साफ सुथरा स्वच्छ और प्रदेश होगा, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना पूरा होगा स्वच्छ भारत का, उनके अधिकारी ही जब उनके मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत स्वच्छ होगा। जी रितेश, ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम जानकारी के लिए रितेश आपका धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।